चलो भाई शुरू करते हैं आज भी, ठीक है। कल जो है जाते मैंने क्वेश्चन बताया था भाई, है शुरू करेंगे, है हुआ था, हो गया था, हो गया था, हो गया देख लिया था, हो गया था भाई, आगे बढ़े, हो गया था। अच्छा नहीं पता, देखो भाई ये टू था पहले, एक ये था है, फिर टू था, फिर ये था, फिर कितने टू थे भाई, फिर भी एक और था, तो ये था, ये तो क्वेश्चन था भाई। क्या है टू प्लस टू, देखो भाई क्या है कोस एट थीटा का फॉर्मूला लगा लूंगा मैं, कोस जिसको कोस टू थीटा का क्या होता है, क्या होता है देखो ये वो करना है टू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो उसका एंगल होता है उसका क्या आता है हाफ आता है, तो कितना है कोस एट थीटा, कोस एट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ये टू कोस स्क्वायर कितना फोर थीटा माइनस वन, अगर ये टू होता ये बाहर तो क्या लगता है ये बाहर टू आएगा यहाँ फोर कोस स्क्वायर फोर थीटा माइनस टू, ये माइनस टू से प्लस टू कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ टू प्लस फोर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फोर थीटा, अब तो कर लूँगा हैं, हो गया वो हैं, हो गया था इस तरह ही, फिर इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, ठीक नहीं है, इस कोस स्क्वायर फोर थीटा का क्या आ जाएगा बाहर टू प्लस टू कोस फोर, ठीक इसका आ जाएगा, ठीक नहीं है ये तो आएगा भाई, इसे जो है सोल्व करते चले जाएंगे, एक तो आंसर है कर लोगे अब तक, चलो आगे लिखो एक और क्वेश्चन पूछिए, ई वैल्यू cos alpha cos 2 alpha cos 3 alpha evaluate cos alpha cos 2 alpha cos 3 alpha cos alpha cos 2 alpha cos alpha cos 2 alpha cos 3 alpha अप टू cos 1998, इसकी वैल्यू निकालनी है cos, ये ना बोलिए चार नाइन कर लो, क्या कर लो उसकी बोलिए चार नाइन कर लो, क्या है देखता है क्या है बाद में, ठीक है, तो कोई क्या है कि इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा इक्वल टू 2 पाई 1.99, यहां तक बात समझ आ गई, यस सर, किससे निकालते हैं, मान लिया इसकी वैल्यू p इक्वल टू क्या है cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा इक्वल टू cos 1.999, बात नहीं आ गई, अपनी तरफ से मान लिया मैंने क्यू आ गया ये,
एक और क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी है मान लिया साइन अल्फा, आगे दिक्कत नहीं है भाई यहां तक की, ठीक है। मैं क्या करता हूं अब, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, हो सके कोई दिक्कत नहीं। देखो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, इधर तो पी क्यू आ गया, इधर दिक्कत नहीं है, किसकी कोस अल्फा की और साइन अल्फा की करूंगा, इधर से क्या आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, तुमने बताया था मुझे कल की हो तो फॉर्मूला बन रहा है इसमें, क्या आ जाएगा अगर क्या आ जाए इसमें, हाँ टू से मल्टीप्लाई करूँ, टू से डिवाइड कर दूँ, ये क्या आ जाएगा साइन टू अल्फा अपॉन, आ जाएगा यहाँ से, आ नहीं जाएगा, आने नहीं है, क्या करें साइन टू ए, ए का फॉर्मूला टू साइन है, कोस है, वही तो है भाई, साइन टू अल्फा नहीं आ गई चुके, वन टू आ गया। इसी तरह से इन दोनों से क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों से तो सीधा ही डायरेक्ट बता देते मुझे, साइन इससे क्या आएगा, ठीक आई बात, अब इससे क्या आ जाएगा सीधा कर लूँ तुम्हें, आएगा साइन टू अल्फा ना, फिर ठीक आएगा साइन, फिर साइन, फिर साइन, हाँ नहीं वो भले ये आएगा ना, वो टू इकट्ठा लिख लेंगे, परेशान ही हो रहे हैं ये तो भूल ही गए इसकी जैसे तो हो रहे हैं। अच्छा अब क्या आएगा इसका, अच्छा अगर मान लिया तीन होती जब भी काम चल जाएगा उससे चाहे जितने बढ़ा लो, फिर तो जो मैथ है यहाँ, नहीं तो घर की बात है या कुछ अलग बात है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ साइन, ये कितने नंबर आएंगे, ये कितने नंबर आएंगे, दो सौ निन्यानवे होंगे या कितने होंगे, कितने नंबर हैं भाई, नौ सौ निन्यानवे नहीं है, नौ सौ निन्यानवे नहीं है, फिर नौ सौ निन्यानवे नहीं नीचे आने आई नहीं बात नहीं है, हैं ये कितने होंगे टू की पावर, टू की पावर नौ सौ निन्यानवे, नाइन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन है, दिक्कत नहीं है बोलो भाई। अब इधर इसको सबको इधर लिख दूंगा, तो क्या आ गया टू की पावर 99 साइन टू अल्फा साइन फोर अल्फा सिक्स अल्फा साइन यहाँ से दिक्कत आ गई, ये क्या थी, देखो भाई क्वेश्चन मेरा ये था अल्फा की वैल्यू टू पाई अपॉन किसी ने दे रखी, यहाँ तक क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब मैंने जो क्वेश्चन दे रखा है टी टी के इक्वल मान लिया भाई, नहीं सुनो मान तो सको, मानने पे तो चला हमारा काम सारा, इसको फिर मैंने क्यों क्या करा साइन अल्फा साइन टू अल्फा टू इसे क्यू के बराबर मान लिया मैंने अपनी तरफ से, फिर इन दोनों ने क्या कर दी मैंने मल्टीप्लाई कर दी पी क्यू, इन्होंने क्या कर दी या मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा सबकी अलग अलग जो करी तो थी भाई सभी क्या करी, फिर मल्टीप्लाई करने के साथ साथ मुझे साइन अल्फा कोस अल्फा आएगा इस टर्म की, इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, टर्म तो नहीं कम हुए ना बढ़े, टर्म तो वही रहे चुके नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके टू से मल्टीप्लाई करूंगा, टू से डिवाइड करूंगा, टू साइन ए कोस ए क्या बराबर होता है फॉर्मूला साइन टू अल्फा साइन, ये आ गया, ये कितने कितने आएंगे, ये 999 होंगे, तो इसको इकट्ठा करके 299 इधर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी पी क्यू,
देखो अब क्या करता हूँ मैं, अब देखो थोड़ी सी बात, देखो देखो थोड़ा चीज़ थोड़ी मिट्टो ना था ना इसलिए करा, देखो ये साइन टू अल्फा, साइन फोर ऑफ अल्फा, साइन सिक्स अल्फा, इसको तो मैंने जीरो क्यों रखा, बस थोड़ी सी बस एक बात रह गई, बस इस बात हो गया समझ लो, अब इसने ये लाइन सीख ली, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। एंड सोन करा, इसमें क्या आएगा, साइन 998 आएगा, आएगा यहाँ कहीं बीच में तो आएगा कहीं ना कहीं, या ना नहीं, इससे आगे क्या आएगा, साइन 1000 आएगा कितना भाई, आगे दो दो का ही तो फर्क आ रहा, नहीं लग रही कितने का आ रहा, साइन कितना आएगा 1000 आ गया। ये इन्होंने मुझे यूँ कहा, देखो एक बार थोड़ी ही एक बार जबान ये सुनाने की कोशिश करते हैं, देख लो कि ये आएगा साइन 1000 अल्फा, भाई अल्फा भी आएगा ये तो आएगा, दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक के। इसको मैंने कहा यूँ कर सकूँ भाई, मैं से ये साइन 2π माइनस थीटा क्या के इक्वल होता है भाई, साइन 2π माइनस अल्फा क्या है इक्वल होता है, बताओ कि क्या इक्वल होगा, याद नहीं, हाँ देखो क्या है, इवन है तो क्या रहेगा ये, पहले तो ये बात तय होगी, बिल्कुल सही बात है, ये अंका बीच क्या है, यही तो बताया था मैंने, बताया था कि साइन देखो यहाँ देखते हैं 2 × 90 के इवन है या ओड है, अगर ओड होता है तो क्या होता है, साइन कोस में बदल जाता है, कोस टेन कोट में और कोस, ये तो बताया था मैंने, ये क्या नंबर है, इवन है, इवन जो है तो क्या रहता है, सेम रहता है, तो साइन आ गया। अब रही बात साइन, ये अल्फा क्या होना चाहिए साथ में, मैंने बताया था कि अल्फा जो है एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक छोटा एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए, शर्त थी यानी ये क्या है 90 से कम है। अच्छा ये जाएगा कहाँ, अब आता है इसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग में साइन आता है, ये कहाँ होगा, ये बताया था मैंने 360 तो ये हो, ये नहीं होता 360 से थोड़ा सा 90 से कम करके तो कहाँ जाएगा वो, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये भाई साहब फोर्थ में जाएंगे, अब भी नहीं बात तो, अरे फोर्थ किसका घर आए हो, टेन का, ये कहाँ का आएगा, ये नेगेटिव आ गया, तो इसे ही लिख सकता हूँ मैं माइनस साइन, भाई ये ऊपर ही है ये सवाल में थोड़ा गांठ रह जाऊँगी, एक सीध भैया एक दिन में थोड़ा लंबाई का है ध्यान है, आधा पैक साइज है ना, क्या रहेगा 2π माइनस क्या आ गए 1000 अल्फा, ठीक है भाई, आगे आगे क्या आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, बात तो नहीं करी मैं, आगे क्या करा, देख माइनस माइनस प्लस, ये साइन 1000 ये रखा, दिक्कत नहीं आई, आगे क्या कर सकूँ भाई मैं, सर सर ये तो साइन 1000 बताना, तो आपने 2 × π माइनस जी क्या कह रहे, साइन 1000 बताना, हाँ ये तो माइनस 2 × 2 देखो साइन 2π माइनस थीटा क्या ही बोल होता है बेटे, माइनस साइन थीटा नहीं होता, अभी बताया नहीं है, माइनस माइनस प्लस वही नहीं जूगा तुम रखा, अभी बताया नहीं है, ये तो राम कथा भी करिए, मैं करी नहीं, फर्क पड़ा,
डेरिवेटिव हो जाए साइन टू पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन में हो माइनस ही थोड़ा माइनस माइनस ये दिक्कत है हमसे। अब घंटे को भी यू करेंगे सीधी दवाई है नहीं, अगले जैसे पास में हम भी यू करेंगे ये दो दादा था वो जो है अगर ये कोई छिलवा मैं करिए फिर क्या आ जाएगा घंटे बोलो ये गोल लिखेंगे ले चिड़ाने के लिए हैं अगले नहीं समझ के लिए गोल ले फिर मोहल्ले वाले क्या ना रहने दे चलते दिखता आती है नहीं तो करेगा नहीं है फिर आखिर में क्या आएगा यहाँ ये भाई साहब आएंगे ये वाले क्या आएगा वन नाइनटी एट टू पाई माइनस वन नाइन नाइन एट अल्फा है बेटे अब भी नहीं बात। अब क्या आता है इसमें क्या करना है भाई हमें यहाँ तो बात नहीं आ गई का आई तुम्हारी नहीं आई क्या नहीं आई तुम्हें सर यार क्या करते ठीक है यार देखो भाई देखो ये क्या है इससे आगे देखो तू सही कहा क्या है क्या है ये फिर आगे क्या आएगा ये भी आएगा बीच में आगे ये भी आ गया इस बीच में नाइनटी नाइनटी एट आएगा इससे घंटा क्या होगा नहीं नहीं नाइनटी एट से घंटा क्या आएगा इसमें भाई टू का प्लस प्लस करके नहीं आया इससे नेक्स्ट गड़ला क्या आएगा देखो साइन वन थाउजेंड अल्फा भाई यहाँ ये यहाँ वाले जो लिखा नहीं तो आना है ही मुझे पता साइन टू पाई माइनस थीटा क्या ये कौन होता है भाई माइनस साइन थीटा नहीं लिख सकता मैं अगर माइनस साइन थीटा लिखना हो चाहे इसका लिख दो चाहे इसका लिख दो अगर मैं ये यहाँ ये माइनस लिख दूँ साइन टू पाई माइनस थीटा यू नहीं प्लस के साइन थीटा यू लिख टू पाई थीटा की वैल्यू हुई था वन थाउजेंड अल्फा आई नहीं बात हुई अभी नहीं तो जब वन थाउजेंड आएगा फिर वन थाउजेंड टू फिर आगे सुना देते आई नहीं थोड़ा अजीब सा सवाल लग रहा है हैं हाँ थोड़ा टफ स्टैंडर्ड है सवाल में देखो एक बार और समझा दूँ ये की समझा दूँ ये अब किन तो नहीं कुछ है देखो भाई ये क्या है टू पाई माइनस 1000 अल्फा है अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है गिवन है देखो 2 पाई अपॉन 1000 क्या है देखो 2 पाई तो जूते तुम रखा भाई मैंने माइनस 1000 इनटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन 1000 1990 ये आ गया देखे करके देख ले एक कर तू ले अब जाते मैंने कर दिया फिर ये आ गया मेजर कर दिया आगे वरना कर दिया सर इसकी सर मॉडल में देखी 390 क्या आ गया सर 3000 में 390 हैं सर इससे इसकी मॉडल मैंने देखी है हां क्या आ गया खाली से आप जो कि ये विचार जो ठीक है चलिए सही है सर इस तरह ठीक है यहाँ टू पाई नहीं आना देखिए नहीं आना देखिए मैं जान ही छोड़ा था देखिए अभी 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 सही आएंगे मैं कह रहा भाई करके तो देख रहे जी मेरे पास सही है भाई टू भी तो टू पाई जाओ कोमल लूंगा इसमें से घटा के या माइनस आ जाएगा आगे सुनो यू भी सही है वो भी सही था तुमने सही है मैं जिस हो ना राम कथा थी वो ना जो पंडित जी कह रहे सब सही है हम तो बैठे हैं राम जो तुम्हें करना पड़ेगा
देखो अब भाई, अब यहाँ तक तो बेटे समय आ गई। अच्छा मैं क्या कह रहा था बेटे, अभी देखो अभी मैंने बताया था कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 π/9 कहाँ यार, मैं भी तो यही बोल रहा, मैंने कहाँ लिखवा दिया। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 π/9। देखो इसकी वैल्यू और ये और ये अल्फा रखा, फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 999 अल्फा आ गई। देखिए आ गई सर, आ गई है, आई आ गई। अब देख ये क्या रखा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 99 अल्फा है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन आगे की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, हैं इससे कम होती चली जाएगी, फिर क्या आएगी, ये आएगी, आई नहीं बात नहीं, आई नहीं बात नहीं, इनके तो आ गया भाई। अच्छा ये समझ में आ गया भाई, आपके आपकी नहीं आई में बोलो, अब क्या आ जाएगा, लिखो मिटो तो इसको, तो लिख दो लिख दो, चलिए लिख लिया, पहले लिख लिया, लिखो यार पहले तो नहीं लिखो, सवाल या फिर ये कितनी वैल्यू आ गई थी इसकी भाई, है साइन बोलो 999। आगे में क्या आएगा भाई, पता नहीं बढ़ेगी या घटेगी या होगी, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 π क्या है, ये है वह क्या वैल्यू है, 2 π - 1002 α। अल्फा की वैल्यू रखी भाई इसमें, अल्फा की वैल्यू क्या रखनी, वही जो मुझे बता रहे थे तुम, जो सुनाई दिया था मुझे वही लिखे, लिख के तो दिखाओ इसे, मैं सोच रहा जो भी चल रहा मैं ही कर दूँ सारा, है क्या
अरे देखो, अच्छा देखो भाई, देखो अच्छा देखो, इधर देखो, देखो ये के बराबर है टू की पावर जो छोटा है, परेशान हो गया करते करते। इधर देखा देख भाई, देख इधर देखो एक मिनट के लिए, ये कितना है, ये भी अल्फा है, ये भी यानी इवन होगा ऑड होगा, ये तो बात नहीं मान जाओ, ये यहाँ से ये आएगा, ये भी कैसे नंबर आएंगे सारे, ये भी सारे इवन ही आते चले जाएंगे, ये भी सारे इवन ही आते चले जाएंगे, यानी आते चले जाएंगे। अरे जितने भी साइन के इवन हो उनका नंबर वैल्यू कितनी हो भाई, सेम हो, साइन के जितने भी इवन नंबर हो पाई में, टू पाई के मल्टीपल में, टू के पाई अल्फा टू पाई है ना, वो जितने भी साइन के टू पाई के मल्टीपल होते हैं इवन के, कितना नंबर होता है भाई उनका पता भी नहीं, बस एक ही निकाल देख लो, साइन का टू पाई का मल्टीपल क्या हो सकता है छोटा, साइन टू इंटू मल्टीप्लाई कितना हो 180 है, क्या होती है वन होती है जीरो, वन है तो वन बता रहे, तो टू की पावर 99 पी क्यू इज इक्वल टू, सबका वन आ जाएगा, यू भी वन, 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 सारे वन वन आ जाएंगे, खत्म राम पे सारी खत्म कर दी एकदम, अजय वन आ गया। अच्छा क्यू तो जीरो हो ही नहीं सकता कभी, क्यू तो मैंने अपनी तरफ से मान रखा है साइन का फंक्शन है, कभी दो ही हो ही नहीं सकता, तो क्या आ गया पी इक्वल टू, क्या आ गया वन अपॉन की पावर टू की पावर 99, क्योंकि क्यू जीरो हो ही नहीं सकता फंक्शन में, एकदम ही खत्म हो गया शादी राम को, कौन सा वाला टू, पर क्यू तो अपना फंक्शन माना, क्यू जीरो नहीं हो सकता कभी, क्यू फंक्शन जीरो हो सके, जीरो तो नहीं होगा, कुछ वैल्यू देगा क्यों, तो पी की वैल्यू निकाला, पी इज इक्वल टू 1.29, मान ले क्यू की वैल्यू वन है, क्यू वैल्यू कितनी है वन ही है, मान ले ये जो है वहाँ क्यू की वैल्यू कितनी है मान ले, तो पी इज इक्वल टू 1.29 आगे सही, साफ सब सब कुछ इधर रह गए, प्रॉब्लम है हो नहीं एकदम आसान, क्या ये मुझे ये बताने के लिए कि ये भी इवन है भाई, ये सारे इवन है, ये समझाने के लिए इस तरह करके भी इवन ही आएगा, मतलब पहले तुम शक करते यार इवन हो भी सका नहीं है अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर मैं रख दूँ इवन आएगा भी नहीं आएगा, इसलिए कर रहा था, इसमें तो तुम्हें शक नहीं है, टू अल्फा में भी फोर अल्फा में भी शक नहीं हुआ, हुआ है, और जब ये वैसे ये वैल्यू क्यू के इक्वल हो जाएगी, क्या की वैल्यू है वैसे भी है, ये क्यू के इक्वल है, सोल्व करेंगे तो क्या की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ये है ना साइन 98 या फिर साइन अल्फा साइन 12, ये क्या क्यू के इक्वल हो जाएगी, क्या की इक्वल हो जाएगी, क्यू अगर क्यू से क्यू काट दे, यू समझ लो पहले फिर क्यू से अगर पी इक्वल टू ये आगे जब यू समझ नहीं बात, ये वैल्यू क्या की इक्वल आ जाएगी, क्यू के इक्वल आ जाएगी, क्या की इक्वल आ जाएगी, अब क्यू से क्यू कट जाएगा दोनों तरफ, क्यू 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 दोनों तरफ से यही तो कटता है, पी इक्वल टू आ जाएगी, आई नहीं बात नहीं, चलो जबरदस्ती आई हो गई है बात हो गई है, मिटो तो भाई देखो क्या दे करना चाहो कर लो, तुम्हारी मर्जी है, मतलब समझ आ गया, ये थोड़ी थोड़ी बात भाई, यही तो कह रहा था हल्के भी कह रहे हैं हार्ड भी हो, देखो एक एक मम्मी पापा की काली भी हूँ गोरी भी हूँ थोड़ी, भाई सारे भाई बहन होती नहीं ये सारे ऐसे ही होंगे, लंबे भी हो ठीने भी हो, है क्या कॉन्सेप्ट है जगह जगह, हर हर लाइन पर अपनी नई चीज बता रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट है
आसान सा बता दें, थोड़ा जी है लेके आए रात दिन की आ सकती हूँ। साइन अल्फा, ये फोन लेस तैयार कर लेना, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ये कॉन्सेप्ट है सवाल का, ये इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू इन दोनों के बीच में ये हाँ मल्टीप्लाई आए। देखो जब कोई दो नंबर हो उनके बीच कोई निशान ना हो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, वही है फॉर्मूला तो वही लेगा। छोटा सवाल करते हैं बच्चों की तरह, लिखो साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस साइन फाइव थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस साइन फाइव थीटा अप टू साइन एन टू एन माइनस वन क्या है, साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस साइन फाइव थीटा अब प्लस साइन एन माइनस वन थीटा, टू एन माइनस वन बैठे टू एन, फाइंड दिस वैल्यू, फाइंड दिस वैल्यू निकालना, क्या वैल्यू निकलती है इस फॉर्मूले से, क्या था यहाँ, यहाँ क्या था उसके मुक्त होते, क्या फॉर्मूले था यहाँ देखो क्या लिख कर था, साइन एन बीटा बाई टू, साइन एन एन बीटा बाई ये तो था, अब रखो ये यहाँ टू माइनस वन कर देता, हाँ टू एन माइनस वन ही अब है, अभी कुछ नहीं अब कर टू एन माइनस, ये मेरे गलती है कर दिया इसको, क्या जाएगा भाई कर लेते हो जाए होने नहीं तो डायरेक्टली तो फॉर्मूला लिख दिया भाई मैंने बैठे यार।
क्या आ गया भाई? कर लेना थे घर पे कर लोगे थे क्या होना? नहीं डायरेक्ट वैल्यू तो रखनी है इसमें। क्या भाई एन क्या आया था? हैं अच्छा बीटा क्या आया था? बीटा बीटा भी थीटा ही होगा होगा। फॉर्मूले क्या था वो क्या के लिए फॉर्मूला बता दीजिए भाई क्या अगर से क्या था बोलो। नहीं ध्यान से नहीं देखा फॉर्मूला भी दिखा मुझे लगा तीन बजे कांड मिले मुझे कहाँ यार। नहीं सर ये तो था भाई एंड फोन थीटा क्या बीटा क्या आता है इन दोनों का डिफरेंस एंगलों का। तो यहाँ से क्या है थ्री थीटा माइनस थीटा कितना आ गया? बीटा कितना है? तो थीटा बता रहे थे अगर वो भी होगा बीटा तो आ गया। अल्फा की जगह क्या है इसमें? थीटा। अल्फा की जगह क्या है? और एन की जगह क्या है? ये कितने टर्म्स का होता है? एन टर्म्स का ही तो बस अब भी नहीं होना अब तो हो जाएगा या कहीं से भी करी थी होंगे बोलो भाई एन एन ही है इसकी वैल्यू मतलब कुछ रखेंगे। अरे भाई एन जब एन ही है तो एन को एन ही तो रखेंगे। हाँ तो एन है तो फर्स्ट एन नंबर ही है एन तो एन ही होता है ओड ही तो है बढ़िया इसे करके देख लो नहीं है तो मेरा बेटा भाई भाई ये थीटा आ जाएगा नीचे यार यहाँ से बीटा टू थीटा थीटा आ जाएगा यहाँ से टू आ जाएगा ये भी है ये कटेगा नहीं का बीटा टू थीटा आ रहा भाई रख के देखो तो बहुत भारी सवाल हो गए भाई है नहीं बहुत भारी सवाल हो गए नहीं हो कहाँ भारी हो गया साइन आज ही लग रहा तुम्हारा पढ़ने में कितनी साइन एन की वैल्यू कितनी है एन बीटा की वैल्यू अपॉन टू देखिए यार साइन बच्चों की वाली हरकत है तो यार अच्छा अब मैं फोन समझा लूँ अरे अच्छा याद होगी चलो ठीक है थीटा प्लस मैं तो आसानी के लिए मैं लंबा पड़ेगा यार आज बोर से हो रही है तुम्हें क्या मैं ये भी ऐसे ही आ गए एक नई चीज़ ऊपर से देखिए भाई इस टू से ये क्या आएगा साइन साइन एन थीटा नीचे साइन थीटा इधर देखो भाई थीटा प्लस एन थीटा माइनस थीटा 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 जाएगा क्या जाएगा साइन और साइन एन थीटा साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन अब भी नहीं दिक्कत है कुछ नई बात थोड़ी करी मैंने तो बाबू जी अगर आप चाहते होने जाता तो हुआ हुआ था तो होने जाता गया अब तो समझ में आ गया। देखो ये फॉर्म रेट लेना साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस टू बीटा साइन एन बीटा बाई टू उसके ऊपर बहुत सवाल आता है बहुत अच्छा सवाल है साइन बीटा इस तरह ही कोस का है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है एकदम ये कोस अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लेगा सीधा फॉर्म लेगा जो एक अच्छा था इससे वो अच्छा सवाल बता दूँ थोड़ा सा और खूबसूरत सा सवाल एक है अच्छा टू साइन टू घर के लिए जा कर बोलते हैं घर के लिए जा कर ठीक है ये अच्छी बात है। हाँ हाँ ठीक है रोज है ना दो तीन सवाल दिया करूँगा भाई है करा करो लेकिन ये नहीं कि बस मैं ही बोर्ड पर तार दूँ आज भी दूंगा ये दो आज भी दूंगा दो सवाल फिर मेरे ध्यान आ गई फोन देने तो अच्छी बात है मतलब सीधे डायरेक्ट बता सकते रिजल्ट देखो टू साइन टू ये रट तो लो पहले ये रट भी नहीं जाने बहुत आसान देखो भाई अरे देखो क्या आसान देखो ये इधर देखो ये कितना आसान था फॉर्मूला साइन इधर देख इधर देखो अल्फा में क्या जोड़ना बीटा जोड़ना क्या जाएगा बोल लो फिर आगे फिर टू बीटा फिर देख साइन देखो भाई पहले में बीटा है नहीं दूसरे टर्म में कितने बीटा तीसरे में और एन टर्म में कितने होंगे एन टर्म में कितने होंगे एन माइनस इसका जो फॉर्मूला है ये तो समझ में आ गया किस तरह फॉर्मूला है ये चीज़ समझ में आ गई क्या फॉर्मूला है इसका
बोलो साइन प्लस नहीं फॉर्मूला सीधा इसका आंसर आंसर क्या है इसका जो तुम लिखा साइन तो साइन आना कितने टर्म्स हैं ये एन है जो उनका डिफरेंस है बीटा अपॉन अपॉन ये एन हटा दिए साइन आई थी ये बी आर बीटा ये ही बात है अगे साइन साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा ये वाला ये वो लास्ट टर्म रखी वाली है अब बता क्यों रट गया अब ये भी रटने की बात है हैं अब हो जाएगा अगर कोस वाले में क्या आना है सिर्फ ये जूगो तुम रहेगा सिर्फ यहाँ क्या कोस आना है घरूस पर क्या आना है घरूस और सारे जूगो तुम अगर लगा सब कुछ मैंने पहले ही कहा भाई सुना ही नहीं आपने ये भी जूगो तुम क्या आएगा सिर्फ कोस आएगा अब तो आ गया होगा आगे बढ़े लिखो एक सवाल टू बीच में टांग सवाल ये टू साइन टू फोर साइन फोर टू साइन टू फोर साइन सिक्स ना बाकी है छोटा ही घंटे टू साइन टू फोर साइन सिक्स प्लस 178 साइन 178 डिग्री कर लिया भाई समझ में अगर डिग्री भूल जाऊँगा तो अंडरस्टूड है क्या अगर मैं डिग्री अगर भूल भी जाऊँ अंडरस्टूड है वो मतलब डिग्री होती है ना ये करना है भाई है बाबू जी कर लेते किसको करेंगे इसका कई दिन से एक ही बात बता रहा हूँ याडी ढूंढेंगे इसका याडी तो ढूंढ रहा मैं तो ही नहीं इसमें याडी ढूंढे थे इसका याडी कौन सा इसमें लग सकता है 180 हो जाए जिनका सम वो एंगल ढूंढ लूँ तो इसका याडी कौन सा है टू साइन टू का याडी कौन सा है ये रखा देखो टू और 178 का याडी नहीं है क्या आएगा बोलो प्लस 178 डिग्री बस डिग्री लिखा करना कुछ नहीं लिखा अब आगे क्या आएगा फोर साइन फोर प्लस इसका आईडी इससे पहले ही हुआ है इससे पहले यहाँ क्या आएगा भाई 176 आवाज बहुत तेज बोल रहा है कॉन्फिडेंस से बोल रहा गया है 176 आगे फिर 6 साइन 6 प्लस 4 7 4 देखो दोनों तरफ से आवाज आ रही है मतलब अब और करने की जरूरत है भाई थोड़ी सी और एक बात थोड़ी सी कर दें इसे जू को तुम रखूँ 178 की जू को तुम रखूँ इसे 178 को क्या कर सकता हूँ इसे मेरा जी नहीं चाह रहा भाई 180 माइनस 2 कर दूँ दिक्कत तो नहीं भाई अगर मैं कर दूँ तुम्हें कोई मैंने यार दिक्कत नहीं आया कर दिया मैंने कहा तुम्हें कितना करना है ये फोन साइन 4 क्या आएगा बोल लो 176 साइन 180 माइनस अब भी तो दिक्कत नहीं है बता दे भाई जिसे दिक्कत होगी ना बोल जा भाई 6 साइन 6 प्लस 174 साइन 180 माइनस एंड फोन कर दूँ अब तो ये सब वही है सब काम धाम वही है ठीक है देखो भाई 2 साइन 2 ये जुगत हूँ प्लस 178 साइन 180 माइनस थीटा क्या कि कितना होता है साइन थीटा ये बता दे साइन 180 थीटा मैंने नहीं बताया उन्होंने कहा कितना होता है साइन थीटा ठीक बताया जी कितना है साइन 2 डिग्री मान लूँ इसे यू घूम करा था देखो 180 वो क्या यहाँ की बुरा है ये तो बहुत फायदे दे रहा है एकदम करके है नहीं 4 साइन 4 आगे 176 7 4 आगे 6 साइन 6 174 साइन 6 एंड फोन करके चला जाओगे कि भाई इनके बीच में क्या है पलक चल भी रहा भाई ये पलक ही ढूंढना बोल देगा है नहीं अपनी तरफ से लगा चलेगा या देखो भाई 2 साइन 2 778 साइन 2 क्या आ जाएगा 180 साइन 2 प्लस
180 साइन 4 प्लस 180 6 चलो 180 एक और लिखने को तुमने मजबूर कर दिया फिर मुझे 8 लास्ट एन टर्म तक चलेगा भाई लास्ट टर्म में क्या आएगी भाई क्या बता दो एन टर्म क्या होगी मैंने इतनी सवाल है लो ने साइन लिया था सिर्फ क्या बताओ चलो क्या आएगा एन एन माइनस टू हाँ क्या आएगा एन साइन टू एन क्या होता है साइन टू एन देखो पहली टर्म में कितना है टू दूसरी में फोर तीस तो क्या जाएगा टू एन साइन टू एन आ जाएगा यहाँ तो बात नहीं आ गया देखो यो फॉर्मूला नहीं बन रही 180 सारे मतलब कॉमन ले लूँ क्या बच जाएगा देखिए फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस टू बीटा साइन अल्फा प्लस थ्री बीटा फॉर्मूला नहीं बन गया जैसा भी करवा था सवाल डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल नहीं हो गया 180 से मल्टीप्लाई करनी इसका कर दिया घर बैठ के चलो कर लो आगे बढ़ा करने का अभी करके दिखाओ भाई वो फॉर्मूले करके दिखा देंगे सीधा सीधा क्या है उसके बाद सम स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं अगर दो रिजल्ट हैं तीन अगर साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी हो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है रट लेना फोर साइन ए साइन बी साइन सी रट लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है
अगर बाई चांस कोस में हो कोस टू ए प्लस कोस टू बी प्लस कोस टू सी इज इक्वल टू वन माइनस फोर कोस ए कोस बी कोस सी। मान लो यहाँ की इसकी तीन की एक्स्ट्रा वैल्यू निकालो, फाइंड दिस वैल्यू। मान लो यहाँ क्या जा साइन साठ, यहाँ साइन अस्सी, यहाँ साइन सौ, डायरेक्ट ये लिखा देंगे। इससे पहले जो था उसमें एन टर्म्स थे, इसमें नंबर तीन तीन ही रह गए थे। कोस टू ए नहीं, त्रिएंगल के तीन एंगल होते हैं ना, वही वाला है। कोस टू ए कोस टू बी सी क्या आएगा, वन माइनस फोर कोस ए कोस बी कोस, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट भी आता है। उसके ऊपर सवाल कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी क्या आ गया, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी, इसका आंसर आता है वन प्लस फोर, वन प्लस फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू आगे साइन सी बाई टू। एक क्या आता है साइन ए, ये क्या आएगा फॉर्मूला था भाई, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी। अब ये क्या आएगा फॉर्मूला है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन जी क्या कह रहे हैं, क्या बिल्कुल 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 जो कोकी से बना लिया किसी गए लिख रखी है सारे, मतलब वो लिखवा देंगे, चलो थोड़े से पड़े हैं। वो क्या है कि हर चीज़ नहीं सोल्व कर सकते ना टाइम पे, कुछ चीज़ें तो रटनी पड़ती हैं। जैसे साइन 60 वैल्यू से निकाल भी सकते हैं, उसे रटनी पड़ेगी ना। देखो क्या है, देखो याद करने का तरीका देखो भाई, इन दोनों का साइन का तो सीधा है, इसका एंगल लिख के फोर साइन ए साइन बी साइन सी लिख दो, इसका कोस में बस वन माइनस फोर, इस तरह साइन का यह है, इसका एंगल कर दो सीधा है। हाँ ये है नीचे इसमें नीचे वाले में नीचे कोस ए बाई टू कोस ए बाई टू क्या करें, क्या है हाँ वन प्लस है प्लस आएगा, हाँ प्लस ही आएगा वन, कुछ तो अलग होगी एंगल आधा पड़ गया ना ये मौसम थोड़ा चेंज करेंगे सवाल का, बहुत हो गए हैं। लेकिन इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव बाई टू, इफ आज थोड़ा मुश्किल लगा हुआ है और तो सारे आसान ही हैं, इन्हें तो ज़्यादा लेके आज आए हैं, अच्छा वही लगा था। अरे कल को फेयर कर देंगे एक बार, अगर ऐसी बात होगी ये तो घर की बात है कि वो थोड़ी लग रहा है। चार देखो इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फाइव बाई टू, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड कोस एक्स कोस वाई एंड देन कोस जेड, कोस क्यूब एक्स कोस क्यूब वाई कोस कोब क्यूब जेड आगे बताओ। देखो ये क्या है, तीन एंगल है, तीनों का एंगल का सम फाइव बाई टू,
ये निशान तो पढ़ा हुआ कहीं देखा होगा, कहाँ पढ़ा? मैट्रिक और डिटरमिनेशन ने पढ़ाए, मित्रन से नुमा गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू होगी क्या? अब तुमने तो पढ़ा कहा कि भाई इसे छुपोगे, इसे कर लो, इसे हैं यूँ तो है, बहुत लंबा पड़ेगा, तो नंबर ही बहुत पड़े हैं, अभी तो वैसे भी साइन है। तो क्या करा मैंने, इस रो की ये बड़ी ही बहुत खतरनाक दिख रही, इस रो के कम क्या कर लिया मैंने, एक्सपेंड कर लिया। क्या कर लिया? तो क्या करते हैं इस रो का, ये तो तरीका है, इसको ये छुपो लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई या कुछ और होता है, ये होता है मैट्रिक्स में, ये पता नहीं 12th में, कोई बात नहीं। अभी तुमने इक्वेशन को ये सोल्व करी होगी, चलो ये तो पढ़ी होगी, कोई बात नहीं ले, ये बता देंगे हमको, 1 1 1 2x + b2y + c2 = 0 सोल्व करी होंगी ना कभी। अभी भाई एक्स के फोन के नीचे लिख लो, ये वाले तरीका करा, जो करा तरीका, इन्हें सोल्व करने का तरीका, एक्स को छपो लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ये माइनस इनकी मल्टीप्लाई ये, करानी है yes. जब वाई का करेंगे क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ये माइनस की मल्टीप्लाई ये तो करेंगे yes, करा होगा ऐसा तरीका yes, ये तो है वो। देखो जब मैं देखो ये चीज क्या होती है, इसे बोलते हैं रो, खड़े वो क्या बोलते हैं कॉलम, क्या बोलते हैं रो, मैट्रिक्स में ही पढ़ाऊंगा ये बात, इसलिए बता रही है क्योंकि रो और इसे अजी हम तो ये क्या रो ही भूल जाएंगे, कॉलम भी भूल जाऊँ, कोई ये कहता है कि ये मैं तो रो कॉलम को कॉलम को अच्छा कहते नहीं, तो इसका रो कहते बनाया आर से, सी को कहते बनाया सी से, तो रामचंद्र जी तो याद ही रहेगा, यही भी निदान रामचंद्र जी, जिसके रामचंद्र जी नाम ध्यान रहा तो खुशी नहीं होगा, तो अपने घर भी किसी दूसरे में चले जाएगा, जिसके रामचंद्र जी का नाम ध्यान है कहाँ चले जाएगा, वो दूसरे घर जा सकता नहीं, चले जाएगा। देखो तो रो तो रामचंद्र जी हो गए, ये खड़े हुए क्या हो गए, कोलम हो गए, राम और चंद्र, ठीक है, ये रो पड़ी हुई लाइन कोलम, कितनी रो है इसके अंदर भाई, कोलम कितने हैं, याद बात नहीं होगी, जब इसको वैल्यू निकालते हैं मैट्रिक्स या डिटरमिनेशन में पढ़ते हैं, तो एक रो या एक कोलम के एक्सपेंड में निकालते हैं, इसके निकालते हैं, कोई ही तुम्हारी मर्जी है, एक रो के एक, तो मेरा मन चाह रहा है कि यार ये बड़ी थी है, इसके कॉलम के रेस्पेक्ट में निकाल लूँगा, यहाँ से बात जो आ गई नहीं सीधा, क्योंकि इतनी तो दिक्कत नहीं आती इतनी पढ़ने में। अब मैंने कहा कॉस क्यूब एक्स, जो कुछ नहीं पता मान ले सभी हो गया मैट्रिक्स के लिए, समझ लो आ गई तुम्हारे, इसको क्या करते हैं, इसको छुपाया, देखो जब मैंने जब एक्स की वैल्यू मारी थी तो इसको सर को छुपा दिया था, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स की वैल्यू के लिए इन दोनों का लेना देना था, लेकिन यहाँ तो बेचारे दो ही थे, दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही बना लो दो दो बाई दो की दो बाई, ये तो बचे दो इधर, तो इसमें क्या होगा, जिसकी वैल्यू निकाल लूंगा एक तो इसे छुपाऊंगा और एक इसकी सीधे छुपाऊंगा, एक तो ये छुपाऊंगा मैं और एक दो बाई दो की नहीं बन गई, फिर क्या आ जाएगा कोस क्यूब एक्स, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा साइन, देखो क्या रहता है ये तो दिक्कत नहीं, तो आप बोल ले भाई तुम तो सब पा गई, तो क्या क्या बोल लो, कॉस क्यूब एक्स बोल लो, साइन वाई कॉस जेड, शाबाश, आगे बीच में माइनस आवे तो वहाँ भी यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस कॉस वाई साइन जेड, आगे भाई प्लस, हाँ देखो भाई वहाँ भी प्लस माइनस चलाता है, यहाँ भी अल्टरनेट चलेगा ना, उसमें चलाता है जैसे वो माइनस वाले में डिमोड, क्या आएगा बोलो, माइनस कॉस क्यूब वाई, आगे आगे बेटे साइन एक्स, क्या जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स आगे कॉस जेड, आगे भाई कॉस एक्स, अब भी नहीं बात नहीं भाई भाई, और आगे एक और आएगा लिख लोगे, लिख लोगे कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लोगे माइनस प्लस क्या आएगा, मैं भी लिखूँ तो नहीं 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 बात है, कॉस क्यूब जेड क्या आएगा बोलो, साइन एक्स कॉस वाई, आगे माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये तो आएगा भाई, देखो भाई अब मैं इस पहले इसको सोल्व कर लूँ थोड़े से भी हिस्से को लेके, तो ज़्यादा बड़ा रहेगा इतने से, क्योंकि
फिलहाल मैं से रहने देता हूँ, दिक्कत से छोटे हिस्से को सोल्व कर लेते, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, और सीमा तेरा तो जगह पहले थी थोड़ा सा हो रहा, तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ थोड़े से कोई से, तो क्या कह जाएगा ये कॉस क्यूब एक्स साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये नहीं आ गया साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी, चलो जी तुमने माइनस कहा था माइनस लिखा प्लस कहते प्लस कहते ठीक यहाँ दिक्कत है। अगर इसको अगर इसको ज़्यादा अच्छा लिखना तो सिग्मा करके लिख दो भाई, जितने सिग्मा के टर्म्स हैं कितने तीन तीन टर्म, एक ये लिखूंगा ये लिखूंगा, इसका लिए कि और भी लिया नहीं है तो जोड़ सिग्मा एफ एक्स कौन एफ आता है वो, या ना लिख या एक ही टर्म्स को देख लो यहाँ तो बात नहीं होगी भाई। अच्छा यहाँ पर तो वाई है, कहाँ यहाँ पर कहाँ कोस क्यूब वाई कहाँ कोस क्यूब जेड कहाँ सर वहाँ पर आगे माइनस से आगे, हाँ तो वही है यो तो क्या गया? आपने सिग्मा सिग्मा पे लिख दिया है जी, ये वाली टर्म्स लिखी भाई मैंने ये वाली टर्म्स, अरे छोड़ रहा सिग्मा सिग्मा को छोड़ रहा, ये तो समझ में आ गया या यू नहीं समझ में आया कुछ गोली मार तू, ये तो समझ में नहीं आया तो मैं क्या कहीं लिखा हुआ किताबों में सीखने लिखा हुआ इसलिए लिख दिया था मैंने कहा छोड़ इसके बिना, ये टर्म्स ले ली मैंने। अच्छा देखो कॉस एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से पाई बाई टू माइनस वाई प्लस जेड, दिक्कत तो नहीं देख कर रही हो पाई बाई टू माइनस वाई प्लस जेड, अब बताओ साइन वाई माइनस जेड कोस 90 माइनस थीटा क्या इक्वल होता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या क्या साइन क्यूब वाई प्लस जेड और साइन वाई माइनस जेड, है भाई आ गया तुम्हें आ गया, देखो बहुत अच्छी बात है। अब इसे क्या करा साइन क्यू वाई जेड को इसे ही लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर वाई प्लस जेड साइन वाई प्लस जेड और साइन वाई माइनस जेड, मैंने जी चाह रहा था स्क्वायर को अलग अलग प्लेट साइन क्यूब नहीं आता तुम्हें, कोई नई बात तो नहीं करी रटने वाली बात बता दो ठीक। देखो इसे तो जू को तू रखा मैंने, ये है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या आएगा साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है कहाँ से आया हो सही नहीं है पता नहीं तुम्हें क्या आए हो क्या क्या फॉर्म लो लिखवाया था कहीं लिखवाया था कल लिखवाया था भाई कल लिखवाया था नहीं यार देख ले यार तुम लिखा लिखना ही छोड़ा करो ना लिखा है तो आम कथा ही चल रही लिखा है नहीं तो मैंने मना करा दिया मैं तू नहीं कह रहा आई बात नहीं मैं ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का ये बता रहे हैं मैं नहीं बता रहा भाई इन्होंने कहा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इन्होंने कहा है भाई तुमने तो कहा लिख दो अभी नहीं बात सुनी तुम्हारी तुम तो पता नहीं टू साइन ए साइन बी क्या कह रहे थे ये कल लिखा था तुम तो आए थे कल आ गए तो क्या आ गया भाई ये साइन स्क्वायर वाई प्लस जेड चुका तू भाई ये आ गया साइन बोलो ए प्लस बी साइन वाई स्क्वायर माइनस साइन वाई स्क्वायर कहाँ साइन स्क्वायर वाई आगे माइनस साइन स्क्वायर जेड हाँ तो बैठे बात में आ गई। अब इसे वाई प्लस जेड को फिर कर सकता हूँ पाई बाई टू माइनस एक्स मैंने ये कह रहा हूँ कि y प्लस जेड को यहाँ से लिख सकता हूँ पाई बाई टू माइनस एक्स
अब तो आगे समझ में बात बोल ला करो क्या क्या साइन हूँ वहाँ करा करो फोन की तरफ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या है साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर है भाई साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या क्या बोल होता है ये तो समझ आ गया खाने भी नहीं समझ आता कोस स्क्वायर एक्स क्या आ गया ये कोस स्क्वायर एक्स ये क्या आएगा साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर ये तो आ गया अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर जेड ये आ जाएगा यहाँ से क्या आएगा इससे सिमिलरली फंक्शन से क्या आएगा क्या होगा कोस स्क्वायर वाई शाबाश साइन स्क्वायर जेड साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आई के लिए तो चलेगी अरे एक्स वाई जेड जब मैंने वाई लिया जेड एक्स साइकिल तो चलनी है साइकिल जिससे चले पेंटा चले फिर आगे क्या आएगा कोस स्क्वायर जेड एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई आई नहीं समझ आई नहीं तुम क्या कर दूंगा तीनों क्या करना सबको इन्हें प्लस करना बेटे ये है नहीं इसकी वैल्यू रखनी ये माइनस यहाँ रखना ये रखनी अजय भी नहीं रखना सारे क्या आ जाएंगे ये कट फट जाएंगे सारे एक ही नहीं जब सेम सेम ना तो मेरा कट जाएंगे क्या नंबर आएगा इसका जीरो पर दो ही है दो हैं दो दूनी चार दूनी छः तीन ही प्लस करेंगे तीन ही माइनस करेंगे देख ये बैठे भाई साहब इन्हें 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 करने के लिए हमारे तीन ही प्लस करेंगे तीन ही ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा सिग्मा की जरूरत तो निकली हो गया काम इधर कर लेगा घर बैठ के पूरा करूँ ओवर में ये सिमिलरली लिख के लिख लेना सिमिलरली कॉस क्यू वाई इज इक्वल टू सीधा डायरेक्ट लिख लेना ये वैल्यू सब क्योंकि इसी प्रकार इसकी वैल्यू ये फिर इस लाइन में ये वैल्यू रख देना बस इसकी वैल्यू ये क्या आ जाएगा इसका आंसर तो इसकी आंसर क्या आएगा घर बैठ के कर देना इसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी तीन नहीं बेटे तीन वैल्यू है इसकी वैल्यू अलग है इसकी वैल्यू अलग है इसकी वैल्यू अलग है घर जाके घर बैठ गई हाँ नगर है देखो एक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सुना कभी नाम ये सुना नहीं क्या करे कहाँ सुना चलो सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है इसकी मैं देख लो यार देखो भाई सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन नाम सुना है भाई हाँ बताओ सुना तो बताओ मैं सुना यार ये हिस्से कर ली इक्वेशन सुना नहीं अरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही रहा बस सुना नहीं ये क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन वही इक्वेशन किसे कहें हाँ साइन कोस तो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में होता ही सारा ये और क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होगी इक्वेशन किसे कहते हैं भाई एक इक्वेशन होती है वो होती है पॉलीनोमियल फर्क क्या होता है भाई हाँ कुछ भी होता है बराबर दो भी हो सके हैं हाँ अगर बराबर है तो क्या आ जाता है इक्वेशन और उसमें क्या है पॉलीनोमियल ऐसा उसमें बराबर नहीं होता है ये तो अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इज इक्वेशन विच है वन और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने हो छः हो
उनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक है वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, जैसे ये, जैसे ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाई इक्वल टू टू, या टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी, दो हो गए, या ये भी होगी थ्री टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, एक है, तो एन इक्वेशन विच हैव वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड टू द ट्रिग्नोमेट्रिकल, अब है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन क्या होता है भाई, अब इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, इक्वेशन मतलब सवाल, अब प्रधानी कहते इक्वेशन में लड़िए लड़वी, तो हमारा कैंडिडेट जीतते जीतेगा, कहते नहीं, यानी उसका सॉल्यूशन है इसके पास, क्या है इसके पास सॉल्यूशन, क्या है इसका वोट, अब यहाँ वोट से पढ़ने नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन क्या होता है बता दिया भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का सॉल्यूशन लिख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक का सॉल्यूशन क्या होता है भाई, जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, जो भी अननोन नंबर का जो अननोन नंबर थीटा दे रखा उसकी वैल्यू अगर हमें पता लग जाए उसका सॉल्यूशन कहलाता है, जो अननोन जो थीटा है, जैसे ये अगर मुझे इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू पता लग जाए इसका क्या कहलाएगी, उसका सॉल्यूशन आई बात है, अब भी नहीं बस नहीं होगी, अब सॉल्यूशन निकलते किस तरह है भाई, मैं डायरेक्ट फॉर्म ले रहा हूँ, इसकी रेटिल्यूशन में टेन से बढ़े होंगे हैं, क्या टेन से बढ़े किए, जैसे अभी एक सवाल करवा देता हूँ यार, पहले फॉर्म लिखो तो बहुत छोटा सा करो, पहले पहले फॉर्म लिख रहा है, हाँ पहले फॉर्म लिख दूंगा, नहीं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा क्या है, अगर मान लिया इक्वेशन ये आ जाए बाई चांस, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा, तुम्हारे मतलब बहुत से पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो रख लिया भाई, अगर कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा जा, थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, को जी टेन तो रहेगी उधर से आवाज नहीं आई है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, और एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू जेड, और एन बिलोंग्स टू जेड, जी हाँ जी, तो कोई इलाज है ही नहीं उसकी, जो है ना एक हकीम हुआ, क्या हकीम लुकमान के पास की दवाई भी नहीं थी है, अक्षक की दवाई किसी के पास नहीं थी है, सुनो तो यही है, हो गया देखो, अब लिख रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ई की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू फोर, क्या है ये कोई एक वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इसका सॉल्यूशन निकालने भाई, कितने सॉल्यूशन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द, नहीं कह रहा कि बेचारा अगर तो आंसर बता दे मुझे क्या आ रहा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है, बहुत सीधा है तो बेचारा, तो ये बता दे कितने सॉल्यूशन होंगे, जैसे ही होता नहीं कितने सॉल्यूशन होंगे बेटे तुम्हारा, ले कितने सॉल्यूशन होंगे तुम्हारा, अजी मैक्सिमम पावर टू है तो दो सॉल्यूशन, तो सीधी बात है, इसमें कितने होंगे बताइए भाई, यूँ कह रहा है, इसलिए इतना सीधा भी नहीं आया, तो क्या आ गया भाई, फिर क्या करता हूँ मैं, फिर इसने क्या करा कि मैंने यूँ मान लिया ई की पावर साइन एक्स को टी मान लिया भाई, दिक्कत तो नहीं कुछ, मान तो सके भाई, मैं भी मानने में चल रहा था, तो क्या गया टी माइनस वन अपॉन टी
ये किस तरह वन अपॉन टी सिनेमा आ गया, क्योंकि वन अपॉन ई की पावर साइन एस टाइप का है ना, नहीं ये इधर भी माइनस लगा दे, इधर टी की पावर माइनस वन, और टी की पावर माइनस वन क्या लिखूँ, वन अपॉन टी इज इक्वल टू टी की टी मत वन, समझ नहीं आ रहा बैठे में बोलते हैं वो क्या रहा है जिससे बुरा से माए हूँ बहुत से हूँ हाँ शाबाश ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस माइनस फोर टी प्लस वन, वन वन कैसे फैक्टर है जिनका वो समूह फोर फोर होता ही जरा चार फॉर्मूला भाई साहब अपने वही मैंने बता रखा है। तो क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी है ये वन ही माइनस का ये प्रोसीजर समझना चाहिए माइनस प्लस तो तुम कर ही लोगे, ये तो ये मेन नहीं है कि भाई अगर मान लिया जैसे थ्री माइनस टू बाई चार पहले बाई चार लिखना चाहिए गलती है बारी बार हो भी गई तो उसके लिए सॉरी गलती माफ हो जाए इन्हें पकड़ के बैठ दो पढ़ा नहीं आता बिल्कुल तीन माइनस दो ही नहीं आ रहा वो नहीं लिखता ना पढ़ाएगा क्या है। जो छोटे छोटे बच्चों की जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वहाँ जाके लड़ते हैं माँ बाप अब मैडम तुमने सही कैसे करते हैं बच्चे को, अब भाई जैसे भाई देखो टीचर के पास 100 कॉपी होती है चेक करता बेचारा वो बच्चे बाजी बार निगाह भी नहीं होती फोन आ गया वो बाजार फोन करता है हाँ करता है टिक कर गया, अगर मैडम जब तुमने तीन माइनस टू मेरे बच्चे ने पाँच लिखा पाँच को तुमने सही करते क्या पढ़ाते होंगे लास्ट में तुम भाई हो गया यार गलतियाँ इंसान की ऐसे नहीं पकड़ते होता नहीं आता छोटे बच्चे का तो ये चलो तो टी स्क्वायर माइनस फोर टी माइनस वन वन कैसे फैक्टर है फोर होते नहीं धरा चार फॉर्मूला है माइनस बी क्या होता है बोलो देखे क्या आगे बोल दी जल्दी बता दिया आपने क्या आगे वैल्यू लिख थोड़ा सा लिख लेते हैं तो बंद नहीं करनी सोचो यार सारे काम क्या गया भाई ये सवाल ताड़ने का इसकी वैल्यू निकाल ले तुम सवाल ताड़ने पे लग गए मैं भी कहूँ जी तेज पैर हाथ चिल्ला कर रहे हैं नहीं है बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं ये आ गया फोर प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी है देखो क्या आ गया फोर प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी अपॉन टू कितना आएगा है भाई इसको लिख सकता हूँ मैं फोर प्लस ट्वेंटी का बाहर आ गया फोर रूट फाइव या टू रूट फाइव भाई ट्वेंटी को फोर मल्टीप्लाई फाइव नहीं कर सकता कहते अपॉन क्या आ गया दो दोनों से ऊपर से कॉमन क्या आ गया टू प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू टू से टू गया तो टू प्लस रूट माइनस फाइव ठीक है लेकिन जो जो ये साइन एक्स है साइन एक्स की तो वैल्यू निकालनी है मुझे इसमें अब जो ये साइन एक्स है कहां तक वैल्यू डिपेंड करता है इसकी ये साइन एक्स की वैल्यू कहां तक होती है माइनस वन से ये तो तुम्हें पता है हर बार सवाल दूंगे माइनस वन टू वन साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है मिनिमम वैल्यू माइनस वन और मैक्सिमम वन इससे बीच हो तो और तो नहीं कुछ किसके इसके बीच में ही होती है ना जो साइन जीरो जीरो तो इसके बीच में साइन थर्टी वन बाई टू वो भी इसके बीच में साइन नाइन्टी वन वो भी वो खुद है इससे अलग तो नहीं होती। अच्छा अब क्या आ गया तो यानी साइन एक्स की वैल्यू मैं तो या तो मैक्सिमम वन रख सकता हूँ या माइनस वन तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से ई की पावर माइनस वन टू ई की पावर वन ये तो हो सकती है भाई यानी साइन एक्स की ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू हो सकती है हैं और इसकी वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू टी की वैल्यू
इसकी वैल्यू यानी इसके बीच में लाइव करेगी, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस माइनस 5, यानी 2 + 2 + समथिंग कुछ। फाइव का क्या आता है, फाइव का क्या आता है वैल्यू 2 point something आएगी, और 2 पहले से तो 4 आ जाएगा, और 2 - 2 करके या 1 कुछ आएगा समथिंग माइनस है, इसकी वैल्यू यही तो आएगी e - 1। अच्छा e की वैल्यू कितनी हो बताई थी मैंने, e की वैल्यू 2 point कितनी पहुँचा मुझे याद नहीं रहती, बताई हुई थी मैंने एक बार, मैंने ही बताई थी। हाँ क्या है, अरे कुछ हो रही है, तुमने बिल्कुल ही है, देखो e की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, क्या आएगा 2.7, ये तो उतनी नहीं इसमें, ये तो बीच में आनी नहीं आएगी, ये तो आनी नहीं इसमें, तो इसमें नहीं आनी, तो क्या आ जाएगा है क्या, हाँ मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रही हूँ, माइनस यही है तो ये चल, ये तो, ये तो इसमें आनी नहीं, अभी की वैल्यू आनी नहीं है, ये इसके बीच में तो आनी नहीं, आ जाएगी ये वैल्यू, इसकी वैल्यू गई, तो क्या होगा लिखेंगे 2 + √-5 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, क्या e^-1 e^1 ये बिलोंग ही नहीं करती, कोई वैल्यू है ही नहीं इसकी यार, कहाँ सोल्यूशन निकाल लीजिए, जब इसकी वैल्यू इसकी लाइव होगी, हाँ जब भाई इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होंगी, जबकि तो वैल्यू निकलेगी, जब इसकी वैल्यू नहीं निकलती कहाँ से नंबर निकल जाएंगे सोल्यूशन, मैं पहले तो निकल, इसकी वैल्यू निकलनी चाहिए ना, आई नहीं बात नहीं तुम्हारी, लिखो एक सवाल और लिखूंगे, लिखो उतारना चाहो, अच्छा सवाल नहीं है, छोटा था बढ़िया सवाल है, इसमें तो दिमाग खराब नहीं होगा, ये जरूर लिख देना भाई, है समझ में आ गया ना क्यों आए, या ये भी नहीं समझ में आया, उधर की छुट्टी हो गई क्या भाई, हाँ मैंने कहा तुम्हारा खतरा हो जाऊँ, यहाँ जिधर की घंटी बजी है, कितने सोल्यूशन जब ये बिलोंग क्यों नहीं करा वैल्यू, सोल्यूशन कहाँ से निकल जाए, ये लिखा था जिन्होंने ये की वैल्यू नहीं बिलोंग करी कहाँ से सोल्यूशन, पहले तो वैल्यू तो निकलनी चाहिए ना, जब कुछ है ही नहीं उसकी, जब तुम्हारे दोनों की अब उससे पहले अगर तुम एक साल पहले बनी थी नेहरू मार्केट में कोई मिलते बातचीत कर लेते, पहले तो बातचीत रिलेशन तो होनी चाहिए ना, जब भी तो निकलेगी वैल्यू भी, जब कुछ है ही नहीं उसमें लेने देना, सवाल गलत हो गया मेरे को, रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री, सवाल करवाते करवाते ध्यान से जाओ थोड़े से, अगर कुछ तो गलती हुई है, tan θ + tan 2θ + √3 tan θ tan 2θ इक्वल टू रूट थ्री, इसमें वैल्यू निकालें, सॉल्यूशन करना, सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन ही तो हो गई हो, पहले तो सॉल्यूशन वो कहते हैं x + y = 5 x² + 5 x + 6, स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है हमारा भी है, अभी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा करेंगे, अब क्या हो गया करके दिखाऊं भाई से, या कर लोगे क्या कह रहे हैं, अच्छा होमवर्क क्या है मैं बता दूँ, होमवर्क कहाँ से, तो नया सवाल है बिल्कुल, कहाँ होमवर्क हो जाएगा वो पहले हैं भाई, ऐसा भाई बिल्कुल कुछ भी होमवर्क कर लोगे, देखो भाई tan θ + tan 2θ = √3 - √3
tan theta tan 2 theta. दिक्कत तो नहीं भैया वहाँ तक के, इसको मैंने इधर कर लिया. हाँ शाबाश, सारे सवाल आने लगे. रूट थ्री थी दोनों में कॉमन ले लिया, 1 माइनस टेन थीटा टेन. आधे बात नहीं होगी. इसको क्या कर दिया मैंने, इसके नीचे लिख दिया, क्या आ गया, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा पॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन. हाँ बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छी बात है. टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बन गया, टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी. क्या बराबर होता है फॉर्मूला, हो टेन टेन ए प्लस बी. टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लगता है, टेन थीटा प्लस टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री. टेन क्या गया है, इधर लिख लूँ, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये कह रहे टेन की वैल्यू रख दो भाई, फाइव बाई कितनी रूट थ्री की वैल्यू, सिक्सटी वैल्यू है. चलो भाई पक्के रहे अपनी बात पे, इनकी बात लिख ली है. अब क्या आएगा देखो, अब फॉर्मूला है देखो, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा भी लिखवाया मैंने, क्या जाता है एन पाई प्लस अल्फा, ये तो है फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा. तो थीटा इक्वल टू थीटा की वैल्यू निकालनी हो सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्या जाएगा एन पाई बाई, या पाई कॉमन ले लो मैं से, नीचे तीन आ जाएगा एन प्लस वन बाई थ्री. आई नहीं बात नहीं है क्या, ये पाई बाई तीन जो आपने कॉमन लिया, हाँ इसकी वन बाई तीन में गुणा करोगे, हाँ वन बाई तीन में गुणा कहाँ करिए, बाहर रखा है इसके बाहर ले गए. अच्छा इसमें इसमें क्या करें, देखो बाबू जी देखो, ये पाई को मन लेगा क्या बच जाएगा, एन प्लस वन बाई थ्री, ये होते पाई के नीचे रहा डायरेक्ट, अच्छी बात है कुछ तो कराया, देखो उन्हें कुछ करा ध्यान तो दे रहा तुमसे, अपने मन की बात नहीं हुआ अलग बात है, वो तो रहा ना कुछ अब भी नहीं, अगर वो लिखना ना, अगर आप लिख सकते हो वो है, वो आई आएगा एन पाई बाई थ्री प्लस एन पाई बाई, नहीं ये सोच रहे थे लिखूँ है. अब ये किस तरह आ गया, नहीं सर ये नहीं कहता है, सर ये कहता है कि सॉल्व कर देना, ये नहीं कहता. अच्छा नाइन तो इसे ले, अच्छा ये ऐसे नाइन लिख के यूँ लिख लेंगे भाई, है फाइव बाई ले नाइन ही लिख देंगे, बोली एन प्लस थ्री एन प्लस वन ले यूँ लिख दे भाई. यस सर, कोई सर तो समझ में आ रहा होगा भाई, भाई ये भी, ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, किसी तरह लिख ले भाई, बोले अगर ये भी आंसर आ जाए तो मैं नहीं कर सकते, बोले इसके फोन है सॉल्ट भाई, थोड़ा सा एक वो बता रहा फिर थोड़ा सा, क्या कह रहे थक गई तुम्हें, कह रहे कि नहीं भाई ये ध्यान रखा एन बिलोंग्स टू रेड चली रहा है, मैं लिखना भूल जाऊँ ना भाई यहाँ से, हाँ एन बिलोंग्स टू रेड लिख लिए भाई तू, है नहीं क्या एन बिलोंग्स टू रेड है. एक घर के लिए सवाल देता हूँ आज मैं, ट्वेल्थ का सवाल है ये, ट्वेल्थ की किताबों में एन सी आर दुनिया की जितनी किताब हुई टूर्नामेंट के सामने सवाल मिलेगा, सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लंबा है. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, क्या कह रहे छुट्टी हो गई, हमारी भी छुट्टी हो जाएगी बस, लोग एक मिनट रुकी जाएगी, हमारी दोस्ती
एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस रूट वन माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू जीरो क्या होगी, फिर निकाल लीजिए आप कुछ और होगी इसकी वैल्यू, फाइंड दिस वैल्यू। बस यही सवाल है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा है भैया, जो कुछ रट लो उसके रिजल्ट, अगर कुछ भी नहीं समझाता होगा रिजल्ट रट लीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट या फाइंड द फाइंड वैल्यू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई माइनस स्क्वायर जेड वन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ सवाल तो रटने ही पड़ेंगे, जितने बड़े जो है पहले मैंने आंसर दिया, ठीक नहीं है, ध्यान रखना चाहिए, पढ़ लेंगे भाई तू आज के लिए इतने भाई। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।